नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। कोरोना काल में ही आईपीएल का आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार आईपीएल का आयोजन दुबई में हुआ था और इस बार भारत में ही आईपीएल का आयोजन होगा, लेकिन दर्शकों को आने की अनुमति स्टेडियम में नहीं मिलेगी, यानी कि बंद दरवाजे में ही आईपीएल का आयोजन इस बार भी हो रहा है। तैयारियां सभी टीमों ने शुरू कर दी है। खिलाड़ी इस समय जरूरी नियमों का पालन कर रहे हैं, इसके बाद कैंप को ज्वाइन करेंगे और फिर 9 अप्रैल से टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी। आईपीएल से पहले कुछ जरूरी बातें जो आप सभी को जाननी चाहिए, आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि इस बार आईपीएल में क्या कुछ नया होने जा रहा है और कौन सा नया नियम बनाया गया है। पहली बात तो ये कि जो भी टीम इंडिया के खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेल रहे थे और बायो बबल में पहले से ही मौजूद थे, उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा। हालांकि इस दौरान एक शर्त ये भी है कि इन खिलाड़ियों को अपनी आईपीएल टीम के होटल में बस या चार्टर प्लेन के जरिए जाना होगा। जो प्लेयर अभी सीरीज का हिस्सा नहीं है और आईपीएल में खेलेंगे, उन्हें 7 दिनों का क्वारंटीन होने के बाद उनकी आईपीएल टीमों में एंट्री मिलेगी, साथ ही उनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी होगा। दूसरी बात, आईपीएल 2021 के दौरान कुल 12 बायो बबल बनाए जाएंगे। इनमें 8 बबल टीमों और सपोर्ट स्टाफ के होंगे तो 2 बायो बबल ऑफिशियल और मैनेजमेंट के लिए बनाए जाएंगे, बाकी के 2 बायो बबल ब्रॉडकास्टर, कमेंटेटर्स और क्रू के लिए बनाए जाएंगे। तो इस तरह से कुल 12 बायो बबल बनाए जाएंगे। बीसीसीआई ने बताया कि उसके अधिकारी और ऑपरेशंस टीम किसी भी बायो बबल का हिस्सा नहीं होंगे। तीसरी बात, हर टीम को इस बार 90 मिनट से पहले ही इनिंग्स खत्म करना होगा। 90 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना स्लो ओवर रेट का जुर्माना कप्तान पर लगाया जाएगा। चौथी बात ये कि जब भी गेंद स्टैंड या मैदान से बाहर जाएगी तो उसकी जगह कोई नई गेंद नहीं ली जाएगी। पुरानी गेंद को वापस लाने पर सैनिटाइज किया जाएगा। खिलाड़ी गेंद पर लार नहीं लगा सकेंगे। और पांचवी बात ये कि सॉफ्ट सिग्नल को इस बार आईपीएल से बीसीसीआई ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। आईपीएल के दौरान कोई सॉफ्ट सिग्नल होगा ही नहीं, यानी थर्ड अंपायर तकनीक का उपयोग करके बता सकेंगे कि कैच क्लीन है या नहीं। मैदानी अंपायर अब सॉफ्ट सिग्नल में आउट या नॉट आउट करार नहीं देंगे, सीधा थर्ड एम्पायर ही फैसला सुनाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।